एंड वेलकम गाइस, राम राम सभी दोस्तों को। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? यार हम उम्मीद और आशा यही करते हैं कि आप लोग सभी मस्त और स्वस्थ होंगे गाइस, और आप लोग के सभी फैमिली मेंबर यार भगवान का आशीर्वाद आप लोग के ऊपर बना रहे। यार गाइस, तो मैं आया था अपने गाय के लिए दवा लेने के लिए, ठीक है ना। तो गाइस मैं बता दूँ तो यार उसकी गर्दन पर थोड़ा सा घाव हो गया था गाइस, ठीक है ना। उसके गर्दन पे यार गाइस थोड़ा सा घाव हो गया था भाई, क्या ही बताए यार, सीन हो गया है भाई। तो वही आया था देवरिया दवा लेने के लिए। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं घर के तरफ, और तो घर के तरफ जाते हुए हमने सोचा कि आप लोग के लिए ब्लॉग भी शूट कर लिया जाए। तो आज सैटरडे है गाइस, और मैं सोच रहा हूँ यार अब से मैं हफ्ते में 3 से 4 वीडियो अपलोड करूं, ताकि यार मतलब समझ सकते हैं यार गाइस की रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है गाइस किसी भी काम में। मतलब आप रेगुलर काम करेंगे ना, तो जैसे आपका चैनल है और यूट्यूब पर, तो आप उस पर रेगुलर काम करेंगे तभी आपका चैनल ग्रो हो पाएगा गाइस। और ना आप हफ्ते में एक वीडियो डालेंगे, महीने में एक वीडियो डालेंगे, तो गाइस उससे काम नहीं चलेगा गाइस। तो मैं कोशिश करूंगा कि अब से हफ्ते में 4 ब्लॉग डालूं। और तो ये गाइस अभी हमारे सामने है मस्त सफ़ेद कलर में स्विफ्ट डिजायर, और गाइस हम लोग हैं अभी पीपरपाती नहर पर, और हम लोग जा रहे हैं गाइस अपने घर के तरफ। और यह है गाइस नहर, इसमें फुल पानी है, आप लोग मतलब दिखाई नहीं देगा, झाड़ फाड़ ये सब पेड़ पौधे भी हैं इधर। और हमारे सामने गाइस स्वराज का ये ट्रैक्टर है, स्वराज कंपनी का 724। ये गाइस भट्ठे पर ईट ढोने के काम आता है हमारे इधर। और गाइस ये टोटली विलेज ब्लॉग होने वाला है, फुल मनोरंजन, फुल मतलब यार टोटली मज़ेदार होने वाला है। और ये पूरा भाई आप जानते ही हैं हम लोग यार विलेज से बिलोंग करते हैं। आप एक और देख लीजिए, ये भी ट्रैक्टर वही है, और ये वेल्डिंग मटेरियल तो ये काम करता है, छड़ और सीमेंट वीमेंट होता है, तो वही लेके जा रहा है। किसी का ऑर्डर था, किसी घर का काम हो रहा होगा, तो लेके जा रहे हैं ये सब। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग नहर के किनारे रोड पर, अभी हम लोग आ चुके हैं अपने मेन कश्यप पड़ौना कुशीनगर हाईवे पर आने वाले। देखिए गाइस यहाँ से ये आप बोर्ड देख सकते हैं, गोरखपुर देवरिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग। तो यही है गाइस, और ये हमारे सामने टाटा का हाथी। और अभी हम लोग यहाँ से गाइस टर्न लेंगे राइट की तरफ। और गाइस आप लोग वीडियो में अंत तक बन रहेगा, ये हमारे सामने क्लासिक की रॉयल इनफील्ड रॉयल गाड़ी है भाई, बिल्कुल ही रॉयल गाड़ी, आप समझ सकते हैं यार। बुलेट का परफॉर्मेंस और बुलेट की रॉयल्टी बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल गाइस रॉयल गाड़ी है। इसका नाम भी गाइस उसी प्रकार से रखा गया है, रॉयल इनफील्ड। तो भाई कहीं ना भाई गाड़ी तो बिल्कुल रॉयल है, मतलब धक धक गो वाली फीलिंग आती है। तो भाई आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा, ब्लॉग अच्छा लगे तो भाई लाइक जरूर करना, और साथ में सब्सक्राइब और आप बटन भी दबाना गाइस, और बेल आइकन जरूर दबाना मेरे भाई, क्योंकि आपको हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो यही है गाइस, आप लोग आगे रोड का नज़ारा देख सकते हैं, आगे का सीन, आगे का नज़ारा। तो यही है भाई लोग, अभी हम लोग हैं बिल्कुल अपने मेन हाईवे पर। और ये गाइस मैं बता दूँ तो ये कुशीनगर कसया पड़ौना निकल जाता है गाइस, ठीक है ना, और सीधा ये मुजफ्फरपुर बिहार चला जाता है। तो यही है अभी हम लोग अपने मेन रोड पर, और गाइस ब्लॉग शूट कर रहे हैं। हम आए थे अपने गाय के लिए, थोड़ा गाइस मेरे गाय के गर्दन पे घाव हो गया था, तो मैं उसी के लिए दवा लेने के लिए आया था देवरिया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर। और गाइस भाई कुछ बंदे को कमेंट आया था कि भाई वीडियो आपकी बहुत लॉन्ग हो जा रही है, तो गाइस मैंने सोचा कि अब से मैं एक ही तरफ का ब्लॉग शूट करूँगा। तो मैं इधर से घर जाते रिटर्निंग के वक्त का ये ब्लॉग गाइस मैं घर जाते हुए उसका ब्लॉग ये शूट कर रहा हूँ, तो ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो गाइस, आप लोग को भी आप लोग का भी समय बचे और हमारा भी कुछ कल्याण हो जाए। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना, और जो लोग भाई फेसबुक भी देख रहे हैं फॉलो करना गाइस, और वीडियो को लाइक करना, क्योंकि ये वीडियो गाइस फेसबुक भी अपलोड करूँगा।
मैं, ठीक है ना, तो YouTube और Facebook दोनों पे मैं अपलोड करता हूँ वीडियो। तो गाइस जो लोग YouTube पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जितना हो सके उतना गाइस लाइक करो। और गाइस मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूँ यार, कि कल मैं अपने एक बहुत जितनी दोस्त से मिला था गाइस, वो यही गौरी बाज़ार में रहता है। गौरी बाज़ार हमारे यहाँ से गाइस थोड़े से दूरी पर है, ठीक है ना। तो गाइस कभी हम लेकर चलेंगे, तो भाई ने यार एक ही बात बताई कि भाई अपाची की RR 310 तुम बिल्कुल भी मत लेना भाई, क्योंकि एक तो यार इसका कोई भी यार मतलब एक्सेसरीज है गाइस, और उसका इंडिकेटर टूट जाता है तो गाइस वो भी 1300 के लमसम में आता है। तो यही सब देख कर गाइस उसका माइलेज बाकी सब परफॉर्मेंस उसने मुझे पूरा शेयर किया डिटेल। तो उसने कहा भाई मत ही लो, इससे बढ़िया तुम अपाची की 204 भी ले लो, तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट होगी गाइस। तो हम लोग यही सोच रहे हैं गाइस, प्लानिंग कर रहे हैं कि अपाची की 204 भी ही लिया जाए, फिलहाल उससे बढ़िया, या फिर बोला सके और तुम्हारे पास बजट अच्छा खासा हो तो उससे बढ़िया KTM Duke 390 लेने के लिए बोल रहा था। तो गाइस अभी हमारे पास फिलहाल उतना बजट नहीं है कि हम लोग 390 Duke परचेस कर सकें। तो हमारा मन है यही गाइस कि अगले साल होली बीतते ही हम लोग अपाची की 204 बाइक लेंगे नई, और ये हमारा चेतक तो गाइस हमारे साथ रहेगा ही रहेगा, और हम लोग एक और नए अपने साथ अपने एक मेहमान को जोड़ेंगे गाइस। तो अपाची की 204 में लेने का मेरे उस दोस्त ने मुझे बताया कि तुमको अगर बाइक लेनी है तो अपाची की 204 ले लो, सबसे मस्त और सबसे बढ़िया लुक वाइज भी मस्त और माइलेज परफॉर्मेंस सब कुछ इसका बेस्ट है। तो यही है गाइस, तो मैंने भी सोचा कि सही बोल रहा है भाई, जब वो बंदा गाइस अगले 6-7 महीने से उसको वो बाइक को यूज़ कर रहा है, तो गाइस वो उस बाइक के बारे में अच्छी तरह से जानता है। जैसे कि मैं अपने ये मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ गाइस अपाची की 162V, तो ये 160 cc की बाइक है और मुझे इसको चलाते हुए गाइस लगभग 9 महीने हो चुका है। तो गाइस मुझे इस बाइक के बारे में सब कुछ पता चल गया है कि मतलब ये बाइक का परफॉर्मेंस, बाइक की माइलेज, बाइक कैसी चलती है, कितनी स्मूथ चलती है। तो मैं यही बताऊंगा गाइस कि अगर आप लोग 160 सेगमेंट में बाइक लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप लोग अपाची 162V की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। मैं ये बोलूँगा कि अपाची की 164V ना ले, आप 2V ले जो न्यू मॉडल में आई है 20 फ्यूल के फॉर्मेट के साथ, तो आप लोग वो बाइक परचेस कर सकते हैं। बाकी 2V में मस्त एकदम परफॉर्मेंस है गाइस बाइक का, और बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है, जो भी परफॉर्मेंस है बिल्कुल एकदम जो स्मूथ परफॉर्मेंस होता है यहाँ पर आपको ताज़ा मिलेगा। तो बिल्कुल ही तो आप लोग यही है गाइस, जो कुछ मिलेगा बिल्कुल यहाँ पर ताज़ा और बढ़िया मिलेगा, और ये हमारे सामने हैं पुलिस वाले भाई। तो यही है गाइस, और वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और फुल एंजॉय कीजिएगा भाई, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है गाइस, वीडियो को फुल वॉच करो भाई लोग। यार आप ही लोग के लिए यार इतना मेहनत करते हैं हम लोग, और आप ही लोग फुल वीडियो नहीं देखेंगे तो क्या ही फायदा भाई फिर वीडियो बनाने का। तो आप लोग सामने का नज़ारा देख सकते हैं और हमारे स्पेशल पावर भी चेक कर सकते हैं गाय मतलब मस्त। और आज तो गाड़ी आसमान में थोड़े काले बादल भी दिख रहे हैं, शायद बारिश होने का संभावना भी है। आज बारिश बहुत जरूरी है गाइस, हमारे धान की सारी फसलें सूख रही हैं, तो बारिश तो बहुत ही जरूरी है। फिलहाल अभी गाय चेक कर सकते हैं आज चेक कर पावर, हम लोग सामने का व्यू भी देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत खाली है, और हम लोग अभी 93-94 के स्पीड पर है। यही है भाई लोग, वीडियो को विश्वास करो, लाइक करो
के लिए इतना ही, तो बने रहे, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट और अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और सभी भाइयों को राम राम। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सेफ रहे। तो देख सकते हैं गाइस सामने काले बादल निकले हैं यार, ऊपर आप देख सकते हैं हमारे सामने बिल्कुल, और कुछ अलग ही नज़ारा, कुछ अलग ही माहौल हुआ रखा है। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।